जहां सरकारी स्कूलों में लगातार छात्रों की संख्या घट रही है, तो वहीं इन स्कूलों में शिक्षा ग्रहण कर रहे छात्र छात्राएं लगातार बोर्ड परीक्षाओं में अधिक अंक प्राप्त कर स्कूल और क्षेत्र का नाम रोशन कर रहे हैं। इसी को लेकर CIPL फाउंडेशन प्रत्येक वर्ष ऐसे छात्रों के हौसला अफजाई के लिए पुरस्कृत करने का काम करती है। सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले छात्र छात्राओं का मनोबल बढ़ाया जा सके और वह पहले से भी ज्यादा मेहनत कर और छात्रों के लिए प्रेरणा स्रोत बन सके। CIPL फाउंडेशन द्वारा डोईवाला ब्लॉक के हाई स्कूल और इंटरमीडिएट परीक्षाओं में अधिक अंक प्राप्त करने वाले सैकड़ों छात्र छात्राओं को लैपटॉप देकर सम्मानित किया गया। संस्था का उद्देश्य छात्रों के मनोबल को बढ़ाना है, जिससे ये छात्र अपनी शिक्षा को जारी रख सके और आगे बढ़ सके। संस्था की अध्यक्ष रेखा बहुगुणा और कांग्रेस नेता महेंद्र भट्ट ने बताया कि अधिकांश मिडिल क्लास परिवार के छात्र छात्राएं सरकारी स्कूलों में शिक्षा ग्रहण करते हैं। वहीं संस्था द्वारा लैपटॉप वितरण को लेकर छात्र छात्राएं काफी उत्साहित है। डोईवाला से जावेद हुसैन की रिपोर्ट। मैं राजकीय इंटर कॉलेज द्वारा की छात्रा रही हूँ। मैंने 12th में आर्ट्स से 71.2% प्राप्त की है और CIPL एजुकेशन द्वारा जो हमें लैपटॉप प्रदान किए गए हैं रेखा बहुगुणा मैम के द्वारा, उनका मैं बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। पहले हम काफ़ी वर्षों से बच्चों के उत्साह वर्धन के लिए मेधावी छात्रों को हमेशा कुछ ना कुछ देते हैं और कई वर्षों से हम उनको लैपटॉप और टैबलेट, जिससे वो घर बैठे भी पढ़ाई कर सकें। और जो 12th वाले बच्चे हैं उनको स्पेशली इसलिए दिया जा रहा है कि 12th के बाद थोड़ा इस तरह के लैपटॉप की ज़रूरत पड़ती है, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स की ज़रूरत पड़ती है, जिससे कि बच्चे अपनी शिक्षा पूरी कर सकें। बच्चों के उत्साहवर्धन के लिए बहुत ही अच्छी पहल है इस संस्था की। और जो सरकारी स्कूलों में जहाँ की बच्चों का बहुत ही कम परसेंटेज रह गई है, वहाँ उनकी स्ट्रेंथ दिन पर दिन घटती जा रही है, उसको प्रोत्साहन मिल रहा है, उसको बढ़ावा मिल रहा है।